अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो या तो आप शूज पहनकर जाएंगे या फिर स्लीपर यानी कि चप्पल। वैसे होते दोनों ही कंफर्टेबल हैं, लेकिन स्लीपर कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होते हैं ना, मजा आता है, रिलैक्स फील होता है, इसीलिए लोग इन्हें घर के अलावा बाहर भी टहलने के लिए पहन कर निकल जाते हैं। ये स्लीपर आज के समय कई क्वालिटी और ब्रांड के मिलते हैं। आप जितनी अच्छी क्वालिटी के स्लीपर लेंगे आपके पैरों को उतना ही कंफर्टेबल फील होगा। ये स्लीपर पहनकर आप वॉशरूम और बाथरूम में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिरकार इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है भैया, जरा ये बता दो। वहीं इस स्लीपर को बनाने में रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में आखिरकार ये बढ़िया सुंदर सुंदर चप्पलें कैसे बनाई जाती हैं, और ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में और दिखाते हैं कि चप्पल कैसे बनाई जाती है। वैसे ये तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और चप्पल बनाने के प्रोसेस में रॉ मटेरियल रबर या प्लास्टिक होती है। दोस्तों सबसे पहले रबर से चप्पल बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की रबर को लिया जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है, जिसे हम रबर के ग्रैनुल्स भी कह सकते हैं, और फिर इन्हें एक तरह की मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन दानों को मेल्ट यानी कि पिघला देती है, और ये मशीन इन रबर के टुकड़ों से रबर की शीट को तैयार कर देती है। और आपको बता दें कि अगर प्लास्टिक के स्लीपर बनाए जाते हैं तो इसके लिए प्लास्टिक के दानों या उसके वेस्ट का यूज किया जाता है। इसके लिए इस प्लास्टिक के वेस्ट को मशीन में डाल दिया जाता है, और फिर मशीन इस वेस्ट से प्लास्टिक की शीट को बना देती है, जिसे पीवीसी प्लास्टिक कहते हैं, और ज़्यादातर इस प्लास्टिक से चीज़ों को बनाया जाता है। अब आपको बता दें कि इन शीट्स के तैयार हो जाने के बाद आगे की प्रोसेस की जाती है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये शीट्स कई कलर में होते हैं और इन पर प्रिंटिंग भी की जाती है, यानी कि जो आप प्रिंटेड स्लीपर पहनते हैं ना, उसी के लिए यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। यानी इन शीट से सोल को तैयार करने के बाद इन पर प्रिंटिंग की जाएगी। उसके बाद इन्हें स्लीपर के साइज में काटने के लिए एक तरह की मशीन, जिसे हम हैंड ऑपरेटिंग मशीन भी कहते हैं, उसमें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये स्लीपर उस मशीन तक पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें स्लीपर के साइज में काटा जाता है। इन सोल के कटाई के प्रोसेस में मशीन चप्पल के सांचे के अनुसार इन्हें काट दिया जाता है, जो कुछ इस तरह से किया जाता है, और इसे आप देख ही सकते हैं कितना शानदार तरीके से किया जा रहा है। इसके बाद इनकी ग्राइंडिंग प्रोसेस को किया जाता है, यानी जब सोल के साइज को शीट से काटा जाता है तो सोल का शेप टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। वहीं इसमें कुछ वेस्ट भी लगा होता है, और इसे हटाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन यानी कि फिनिशिंग मशीन का यूज किया जाता है, जो छोटी होती है, और इस मशीन से सोल के किनारों को बराबर कर लिया जाता है। और इस तरह से इस प्रोसेस को करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और अब बारी आती है इसमें छेद करने की, और इसके लिए ड्रिल मशीन यानी कि होल मेकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मशीन आसानी से इन चप्पलों के सोल पर होल कर देती है और इसे आगे बढ़ा देती है, यानी कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके स्ट्रैप यानी कि फीते के प्रोसेस को करते हैं। और आपको बता दें कि स्ट्रैप को फैक्ट्री के ही दूसरी तरफ बनाया जाता है, और इसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो चप्पल की सोल बनाने के लिए किया गया है। रबर या प्लास्टिक की शीट को एक तरह की मशीन में डालकर चप्पल में लगने वाले स्ट्रैप तैयार किए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम और लचीले होते हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद एक तरह की मशीन में इन स्ट्रैप को वर्कर्स के द्वारा सोल के ऊपर सेट किया जाता है, यानी यह मशीन इन सोल पर स्ट्रैप को इंस्टॉल कर देती है। इसके बाद इन चप्पल को वर्कर्स के द्वारा इस मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे दोस्तों ये तो रहा आपका स्मॉल स्केल फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, लेकिन लेकिन जरा रुकिए, अगर हम हाई स्केल प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में चप्पल को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है उन्हें मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। यस, और ये मशीन इस रॉ मटेरियल को जो रबर और प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको मेल्ट यानी कि पिघला देती है। इसके बाद उसी मशीन में चप्पल के सांचे के द्वारा सोल के साइज को बना लिया जाता है, और ये मशीन सोल को बनाने के बाद इसे बाहर निकाल देती है, और इस पर वर्कर्स की हेल्प से प्रिंटिंग भी की जाती है, और जो कुछ इस तरह से होती है। और इस प्रिंटिंग में कई तरह के डिजाइन और कलर्स होते हैं, और इन्हें चप्पल की सोल पर छापा जाता है, और इस तरह स्ट्रैप को इन सोल पर लगाने के बाद चप्पल तैयार हो जाती है। और इस तरह आपको बता दें कि फैक्ट्री में हजारों की संख्या में चप्पल को बनाया जाता है, और इसमें कई तरह की मशीन और सैकड़ों वर्कर्स काम पर लगे होते हैं। इन चप्पलों के तैयार होने के बाद इन्हें अब पैक किया जाएगा,
और इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इन्हें पैकिंग एरिया की तरफ कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से भेजा जाता है और ये काम वर्कर्स और मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इन स्लीपर को पन्नी में पैक किया जाता है। वैसे ये पन्नी ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें आप बिना खोले ही स्लीपर को देख सकते हैं। पन्नी में पैक करने के बाद इन्हें वर्कर्स के द्वारा फोल्ड कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर के पार्ट में गांठ लगा दी जाती है। इसके बाद इसे आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है जहां पर इन्हें बड़े बॉक्स में पैक किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इन चप्पलों को पैक करने के लिए जिन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो चप्पल के साइज में होते हैं जिससे इन चप्पलों को आसानी से पैक किया जा सके। अब इन चप्पलों को इस बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और ग्लू या टेप की हेल्प से इन्हें चिपका कर बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स की हेल्प से इन्हें एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े गत्ते में भरकर फैक्ट्री में ही बने बड़े बड़े गोदाम में रख दिया जाता है जहां से इन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में भेजा जाता है और आप मार्केट से खरीद कर इन्हें पहनते हैं। वैसे ये मार्केट में कई तरह के डिजाइन और कलर में अवेलेबल होते हैं। आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं और बस रिलैक्स होकर मजे कर सकते हैं। वहीं ये बच्चों, लेडीज और मेल के लिए अलग अलग साइज और कलर्स में मिलते हैं। वैसे आपने हवाई चप्पल का नाम तो जरूर सुना होगा ना, और शायद आप पहनते भी होंगे और ये भी इसी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लेकिन आखिरकार इसका नाम हवाई चप्पल क्यों पड़ा? क्या ये हवा से बनाई जाती है या फिर ये पहनने के बाद लोग हवा में उड़ जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के हवाई आइलैंड में एक तरह का पेड़ पाया जाता है जिसे हम टी ट्री कहते हैं, और इस पेड़ से एक खास तरह का रबर निकलता है जो काफी ज्यादा लचीला और मुलायम होता है, और इसी से हवाई चप्पल बनाए जाते हैं और इसी कारण से इसे हवाई चप्पल कहते हैं। वैसे ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे चप्पल बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसीलिए इनसे बने चप्पल काफी कंफर्टेबल होते हैं और इन्हें आप किसी भी तरह फोल्ड करके पहन सकते हैं और ऐसा करने पर ये टूटते नहीं है, वहीं ये आसानी से घिसते भी नहीं है। दोस्तों, आज के फैशन की दुनिया में लोग पुरानी चीजों को लगातार भूलते जा रहे हैं और अब ऋषियों द्वारा पहने जाने वाली लकड़ी की चप्पल का ही उदाहरण ले लीजिए। इन लकड़ी की चप्पल को खड़ाऊं के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें कि पुराने दिनों में बहुत से भारतीय लकड़ी की इन चप्पलों को पहनकर घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और बाजार में नए फैशन के चप्पल आने लगे तो लोग लकड़ी के इन चप्पलों को भूल गए और इन चप्पलों की जगह पे चमड़े और कपड़े से बने चप्पल पहनने लगे। वहीं आजकल कोई भी लकड़ी की बनी चप्पल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसका सीधा सा कारण है कि लकड़ी से बने स्लीपर मजबूत तो होते थे लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते थे। ये काफी ज्यादा कड़े और सीधे होते थे, लेकिन इनके कुछ फायदे भी होते हैं। लेकिन आजकल कौन इनका फायदा उठाता है यार? वहीं आज के समय में मौजूद स्लीपर काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और लचीले होते हैं जिससे पैरों को काफी ज्यादा आराम होता है। इसीलिए आज के समय इन लकड़ी के चप्पलों को अरे ना बाबा ना, कौन पैर कटवाए यार, कोई पहनना पसंद नहीं करता। गाय के गोबर से भी चप्पल बनाई जाती है और ये चप्पल एनवायरमेंट यानी कि वातावरण के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये आसानी से डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी इसको डीकम्पोज आसानी से किया जा सकता है। वहीं प्लास्टिक और रबर से बने चप्पल सालों साल तक वेस्ट के रूप में पड़े रहते हैं और वो डीकम्पोज यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और ये एटमॉस्फियर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इससे ह्यूमन और जीव को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये सैकड़ों सालों तक ज़मीन में दबे रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। इससे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है। वैसे आपने चप्पल बनाने की प्रोसेस तो जान ली, आपको मजा भी आया होगा जानने में, और अगर आप गोबर से चप्पल बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।